YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में स्कूली स्तर पर पहली बार समग्र शिक्षा अभियान के तहत बैंड प्रतियोगिता शुरू की गई। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए स्कूली छात्रों ने मुख्य अतिथि का शानदार स्वागत किया, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों ने बैंड के माध्यम से अपने अपने जिला की लोक संस्कृति को भी खूबी पेश किया। प्रतियोगिता के दौरान शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जहां बैंड कलाकारों की खूब सराहना की, तो साथ ही प्रदेश के स्कूलों में लाइब्रेरी और खेलकूद प्रतियोगिताओं पर सरकार ने धनराशि खर्च करने की बात कही, ताकि शिक्षा के साथ साथ छात्र खेलकूद में भी आगे बढ़े। मुख्यमंत्री के OST महेंद्र धर्माणी ने भी बच्चों का मार्गदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से लगभग 17 टीमों ने भाग लिया। तो आपको बता दें, राज्य स्तरीय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और वहीं पर छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ाते हुए शिक्षा मंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा के लिए लाइब्रेरी और खेलकूद के प्रति राशि खर्च की जाएगी, जिसके चलते वहाँ की सुविधाओं को सुधारा जा सके, जो आने वाले भविष्य के लिए लाभकारी हो। ये पहली बार हो रहा है बैंड कंपटीशन, बाकी दूसरे कला उत्सव इत्यादि इससे पूर्व में चलते थे। 2017 से ये प्रारंभ होना था, लेकिन 2017 में ये ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, इस बार हो रहा है। अलग अलग विषयों पर अलग अलग फैकल्टीज में जो है वो बच्चे जो हैं वो अपना जो है वो जौहर भी दिखाएँ और एक्सीलेंस भी प्राप्त करें, इसके लिए इस प्रकार की विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स द्वारा किया जाता है।